मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मेरी पहली सुबह नागपुर में और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 11:30 बज रहा है आई थिंक, और आज धूप निकल पर मैं बताना चाहूँगी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं उठी थी सुबह 6 बजे और थोड़ा यहाँ हुआ हुई जो तनिष्क है मेरी मामा का छोटा वाला बेटा, तो वो स्कूल जा रहा था तो उसके चक्कर में मेरी भी नींद खुली थी और फिर वापस सो गई आके। मैं सोई थी और मैं भी 11:30 उठी थी और अब 12 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप निकली है अच्छी नहीं तो सब बता। और यहाँ पे बहुत ठंडी है यार, देख रहे हो पीछे ब्लैंकेट, मुझे पता नहीं लग रही बट स्टिल है। बनारस से काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडी रह लग रही है ब्लैंकेट को। मैं बिना फ़ैन के बैठी हूँ, चाय बनाई है बुलबुल ने, ये तरन 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 तरन। ऐसे मैं चाय पीती नहीं हूँ बट स्टिल बिस्किट के साथ तो चलती है। हम तीनों जन सुबह उठे थे, तनिष जब स्कूल जा रहा था और फिर तीनों जन मतलब मैं, बुलबुल और हाँ मेरे मामा भी 11 उठते हैं ना। मामा सिर्फ हमें भी लग नहीं 11 बजे उठते हैं, मामा भी 11 बजे सो के उठते हैं। हाँ तो मतलब हम सब उठे थे, हाँ फिर सो गए। हम सब ने किए आज, आज सब सुबह जल्दी उठे थे और हम तीनों जन वापस जाके सो गए क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था ना मेरे ट्रेन का जो पूरा सफ़र था वो डालना है मेरे को, आप लोग देखना उस ब्लॉग में वो कैसे बाप रे वो और बच्चे। तो मैंने और बुलबुल ने चाय बिस्किट कर लिए, अब बुलबुल अपनी पढ़ाई कर रही है अकाउंट्स। इसको देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को भी पढ़ना है अभी। मेरा 25 को मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है महाराष्ट्र CET का, तो मुझे भी उसकी तैयारी करनी है। और वहाँ पे आज हर छठ है तो मामी हर छठ की अभी वैसे नहा के आई तो उसकी तैयारी कर रही है। आप लोगों को अकाउंट आते हैं बैलेंस शीट पर्टिकुलर गॉड PL अकाउंट ठीक। आज हर छठ है तो बाहर मार्केट में बहुत, मैंने सुबह से देख रही हूँ पूरा मार्केट भरा हुआ है, सब सामान हर छठ का सामान मिल रहा है और वो सब बहुत अच्छा लग रहा है नागपुर आ गया। वो देखो वहाँ पे अभी भीड़ नहीं है पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरे पूजे का सामान वहाँ पे यहाँ पे सुबह सुबह मिल रहा था पर अभी सब चले गए। अभी आई हो यहाँ पे, अब बता रहे लोग कल से तो धूप आई है ना, तो नागपुर में बहुत दिन से धूप नहीं आ रही थी, सिर्फ बारिश 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 हो रही है। इस वजह से मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना कि हम लोग ब्लैंकेट्स ले रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आज ब्लैंकेट्स की नीड होगी क्योंकि धूप आई है अच्छी वाली। मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ, इसको और मेरा एक और टैगी मिनियन को, मेरे को इसको लेके सोने की आदत है। हेलो एवरीवन, हेलो, मुझे नहाना है, मुझे कुछ सामान लेने मार्केट जाना। मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत टायर्ड। बुलबुल ये क्या कर रही है? मुश्किल काम कर रही है, निकाल रही हूँ रंगोली सफेद कलर की अपनी मम्मी के लिए, वो खोल खोल के देखना पड़ेगा किसमें वाइट है। लाइट ऑन कर लेना, नहीं दिख रहा है येलो। मामी मामी अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा। ये है मामी जो बहुत सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं मामी ये बात सच में है, नहीं ये सच में यही सही बात है। अभी कोई भी देखेगा ना व्लॉग तो वो खुद ही समझ जाएगी, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। मामी पूजे की तैयारी तेरा कमाल काहे का तेरा, तू इतना टेंशन दे गॉड 1:30 हो गया है। Oh, I will
गाइस, तो अभी हो रहा है 1:30 और मैं नहा मके फ्रेश होके आ गई हूँ एकदम। और मामी भी पूरी रेडी हो गई, मैं उनका वो वाला ब्लॉग नहीं ले पाई जिसमें वो रेडी हो रही थी, तो मैं नहाने चली गई थी भैया। और अब वो बाहर, मतलब आज हर छठ है ना, तो यहाँ पर भी पूजा के साथ मम्मी वहाँ बनारस में भी कर रही होगी, तो नागपुर में भी हर छठ सब बनाते हैं सारी लेडीज, तो उनके जो पूरे बिल्डिंग वाले सब आके अब वहाँ पे मामी सब सजा रही होगी पूजा का सामान और उसे को लेके गई है और वहाँ पे पूरा चीज़ें डेकोरेट कर रही है। तो मैं अब आपको वहाँ लेके चलती हूँ और मैं यहाँ का दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे बीती है पूजा। तो सपने बनारस में तो हो भी चुकी है, मेरी मम्मी के घर मैंने पूछा है तो वहाँ पे भी लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, बट मैंने अब मुझे सबका नहीं पता, पर मुझे मेरे एरिया का पता है कि वहाँ पे लोग कैसे करते हैं कि पूजा है जैसे, तो जल्दी जल्दी बस पूजा कर लो और बस फ्री हो जाओ, मतलब वो एक टाइप का कि हाँ आज पूजा है तो जल्दी जल्दी करना है ऐसा वाला वो लोग वहाँ पे करते हैं, मतलब मेरे साइड का। पूरे बनारस में जो लोग देख रहे हो सकते हैं आपके तरफ बुरा अच्छे से टाइम लेके करते हैं, पूरा डेकोरेट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ चीज़ें पूरी डेकोरेट करते हैं और उसका एक स्टेप बाई स्टेप करते हैं। तो वैसे तो आज उनको भी मामी को भी लेट हो गया है, नहीं तो वो भी बता रही थी उनका 1 बजे वो फ्री हो जाती है, और मैंने मम्मी को कॉल किया था तो आई थिंक वो 12 बजे ही फ्री हो गई थी। तो चलो चलते हैं। अंदर मामी और सब आंटी लोग पूजा कर रही है, मेरा जो काम था वो हवन हवन वाला वाला मैंने कर दिया और वो मैं अंदर आ गई हूँ। मुझे भूख लगी है और मुझे आज जाना है मार्केट, कुछ सामान लेना है, मुझे अपनी नोट्स बनानी है क्योंकि 25 को मेरा एग्ज़ाम है और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। मैं सबसे पहले जाके पढ़ाई करने के लिए मुझे सबसे पहले जाके सब सामान लेना है, कुछ कुछ जो घर की याद आ रही है, जो रात को भी आ रही थी, मतलब सबकी याद आ रही है मुझे, मम्मी पापा वीर छोटू परी मीठी रोहन राहुल सबकी याद आ रही है, मेरे को घर की, मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। हाँ बट अच्छा है, घर से नहीं मैं घर, हाँ मतलब ये भी घर जैसा है कि मेरे नाना नानी का, मतलब नाना का है। सो ये है तीर्थ, मेरा सबसे छोटा भाई, मेरे मामा हैं जो एक और मामा है उनका बेटा है ये, तो हम लोग इसको रात के 9 बजे राखी बांधने गए थे क्योंकि उस टाइम नहीं था ये रक्षाबंधन पे, तो इसलिए हम लोग उस टाइम उसको बांधने गए थे। और बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। तीर्थ हाँ, अच्छा तुमको वहाँ नानी के घर गए थे, किसने बांधी थी राखी? मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ और होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और मैंने थोड़ा एंजॉय किया था। मैं गई थी, मैंने व्लॉग नहीं होने में बाहर गई थी थोड़ा सा और मैंने उतना ख़ास आज व्लॉगिंग नहीं की, मैं रेस्ट ही कर रही थी। सब सो गए, 11:30 बज रहा है,
सो होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं वापस आ गई हूँ. पहले मेरे व्यूज़ कम हो गए थे और क्योंकि मैं ऑब्वियसली वो मेरी गलती, मैं नहीं बना रही थी वीडियोज़, मैं पोस्ट नहीं कर रही थी और सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए थे. बट अब सडनली भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं. सो ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते रहो व्यूज़ बढ़ाते रहो. लाइक करना, शेयर पक्का करना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर जिसने नहीं किया है. ठीक है. Bye, good night, take care.